नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 36,147 पे और ये कल की क्लोजिंग से 210 पॉइंट नीचे आके हमने बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। कल हमने बैंक निफ्टी पे 310 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था, आज 210 पॉइंट हमने नीचे जाके क्लोज किया है। लेकिन आज का भी देखेंगे तो ऊपर से लगभग हम 800 पॉइंट करेक्ट होकर नीचे आके हमने क्लोजिंग दी है। तो ऊपर से लगभग 700 से 750 पॉइंट नीचे आके हमने ट्रेड किया, 750 पॉइंट नीचे आके हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं क्लियर कट आप लोग को बता रहा हूँ कि जब तक ये लेवल निकालेगा नहीं बैंक निफ्टी जब तक 36,820 के ऊपर एक आवर्ली कैंडल क्लोज करे या डेली कैंडल क्लोज करे, उसके बाद ही ऊपर साइड का व्यू यहां पे बनाइएगा। 36,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसा आज गया था तो अब इसको मान के चलिएगा कि 36,800 से अब ये 36,900 का जोन, ये जो 100 पॉइंट का जोन होगा वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कई बार हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था उसके बाद हमने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे हमने लिया था तो अब ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे आपको नज़र होनी चाहिए कि जब तक ये 36,820 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज ना करे ना, तब तक ऊपर की साइड का व्यू यहाँ पे अभी आप मत बनाइएगा। और मैंने कई दिन से मैं बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी हो सकता है आपको अभी ये 35,500 से लेकर के 37,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखे। अगर इस बीच में ये दो तीन दिन और निकाल ले या फिर कल की एक्सपायरी भी इसी बीच में निकालने के बाद में अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से 1200 से 1500 पॉइंट की एक अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। और अगर इसने नीचे की तरफ 35,400 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर यहाँ से आपको 600 से 800 पॉइंट डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे देखेंगे तो नो ट्रेडिंग जोन में है, यानी पोजीशन लेके जाने लायक स्थिति में नहीं है। पोजीशन हम तभी लेके जाएंगे जब ये 36,820 के ऊपर क्लोज करेगा या फिर नीचे की साइड में ये 35,400 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तो ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्थिति बनेगी। उसके पहले यहाँ पे पोजीशन लेके जाना नहीं है, जो भी ट्रेड लेना है इंट्राडे में ट्रेड लेके इंट्राडे में ही ट्रेड को कवर कर लेना है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, जो लर्निंग ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें ज्वाइन होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी के चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल, बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब चलिए हम 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और कल मैंने क्या बताया था, कल देखिए मैंने क्लियर कट आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इसी जोन में हमें कहीं पर मिलता है तो बैंक निफ्टी हम बाइंग करेंगे, या फिर 600 के आसपास में अगर थोड़ी देर होल्ड करता है तो यहाँ पर बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाइंग किया था, 800 की मूवमेंट भी मिली तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने कॉल में यहाँ पर लिया था। और उसके बाद में पुट में हमने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें पुट में मिला, जो कि मैंने प्रीमियम ग्रुप में 5 मिनट के चार्ट पे मैंने पुट का जो चार्ट है वो मैंने पोस्ट किया था और वहाँ पे मैंने 36,600 का व्यू दिया था, पुट का मैंने व्यू दिया था। उस पुट ने भी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट वहाँ पे दी और वन पे यहाँ पे 388 तक बैंक निफ्टी आया था। तो बैंक निफ्टी 36,380 के पास तक यहाँ पे आया, तो काफ़ी यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली। और मैंने एक बेस्ट ओपनिंग सेटअप आप लोग को डाला हुआ है अपने आटा ट्रेडिंग वाले चैनल पर, तो वहाँ पर भी जाके ओपनिंग सेटअप डाल देख लीजिए। और मैंने बेस्ट ओपनिंग सेटअप का वीडियो ऑलरेडी 2 दिन से बना के डाल रहा हूँ अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे, तो वहाँ से जाके उस वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए। सारा गेम एक्सपीरियंस का है, आपको कितना एक्सपीरियंस होता है ओपनिंग सेटअप कब और कैसे काम करेगा वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बनाई है, तो उस वीडियो को जा करके देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कल के लिए हमारे लिए क्या भी हो सकता है। कल देखिए आज 36,800 जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वहीं से बैंक निफ्टी घूमते हुए आया और यहाँ पे क्लोजिंग आके हमने 36,147 यानी 36,147 के आसपास हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। अब ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पे 35,900 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी कहीं इसी जोन में ओपन होता है और यहाँ पे 10-15 मिनट ध्यान रखिएगा तुरंत अगर ब्रेक करेगा 35,900 तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। और थोड़ी देर अगर यहाँ पे 5-10 मिनट ट्रेड होने के बाद में अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को 35,720 और उसके बाद में 35,000 यहाँ पे 550, ये दो लेवल बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा देखने को आपको मिल सकते हैं अगर ये थोड़ी देर ट्रेड होने के बाद। कल देखिए ज़्यादातर नो ट्रेडिंग जोन बनने वाला है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, बेस्ट ट्रेड बने तो ही कल कीजिएगा। पहला बेस्ट ट्रेड तब बनेगा जब हम 35,900 को ब्रेक करेंगे, लेकिन 5-10 मिनट ट्रेड होने के बाद में अगर ब्रेक करेंगे तो ही वो मोमेंटम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर पहले ही मिनट में ये फ्लो बनता है, पहले 2 मिनट 3 मिनट में ये फ्लो बनता है, तो मेरे ख्याल से
सकते हैं, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, रेंज में ओपन होने के बाद में 10-15 मिनट के बाद में इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा मेरा वो 35,720 का रहेगा और 35,550 का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद में इस लेवल को निकालता है, ये जो हाई बने हुए हैं ना 320-350 यानी 36,350 के जो हाई बने हुए हैं, इस हाई के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी तभी काम करेगा जब यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट ट्रेड होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट मिलेगा वो 36,480 का रहेगा, सेकंड टारगेट 36,600 का रहेगा और थर्ड टारगेट रहेगा 36,780 का। ये तीन टारगेट आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है तो मैं अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे 35,900 की पुट या फिर 36,000, ये दोनों पुट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ये मेरा अपना व्यू है, मेरी अपनी एनालिसिस है, तो आप अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद में 10-15 मिनट के बाद में अगर ये ब्रेक करता है तो मैं देखूंगा, साथ में मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट क्या कर रहा है उस पर भी नज़र रखूंगा कि HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, किस तरीके का चार्ट वहाँ पे बना है, उस पर भी आप फोकस एक बार जरूर कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 400-500 पॉइंट, तो इंतजार कीजिएगा इसी तरह की कोई ना कोई कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, क्योंकि आगे रजिस्टेंस यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये कैंडल 5 मिनट पे भी चलेगी और 15 मिनट पे बनेगा तो भी चलेगी। तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती हुई दिखे 300-400 पॉइंट गैप अप के बाद में, या हो सके 200 पॉइंट हम गैप अप ओपन हो उसके बाद पहले ही 5 मिनट में हम 200 पॉइंट का और मूवमेंट दे दे उसके बाद इस तरह की कैंडल बनती है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को सेल करूँगा या फिर बैंक निफ्टी की यहाँ पे मैं पुट ले लूँगा। जहाँ पे जिस प्राइस के आसपास में ये कैंडल बनेगी उसी प्राइस का मैं यहाँ पे एट द मनी पुट यहाँ पे बाइंग करूँगा बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ पे 35,800 या 35,600 के आसपास ये ओपन होता है, 400-500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, और अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनती है, तो मैं इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर लूँगा। 70-80 पॉइंट का मैं यहाँ पे SL लगा लूँगा बैंक निफ्टी पे। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं फ्री पोस्ट डालते रहता हूँ, अपने व्यू वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखिए। और बैंक निफ्टी टाइम टाइम पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग भी देते रहता हूँ। अगर आप हमारा दूसरा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नाम है घनश्याम टेक एनालिसिस, वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ स्टॉक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।